उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में तो सभी को ज्ञात होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत देश में एक स्थान ऐसा भी है जिसे गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड के दुमका जिले में शिकारी पाड़ा के पास बसे एक छोटे से गांव मलूटी की। यहाँ आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको वहाँ प्राचीन मंदिर नजर आएंगे। यहाँ 17वीं शताब्दी के दौरान स्थापित एक या दो नहीं बल्कि मोतियों की माला के बराबर 108 मंदिर है। इन मंदिरों में 58 मंदिर ऐसे हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इस गांव को गुप्त काशी कहा जाता है। इन मंदिरों का निर्माण सुप्रसिद्ध चाला रीति से किया गया है। ये छोटे छोटे लाल सुर्ख ईंटों से निर्मित है और इनकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 16 फीट तक है। इनकी दीवारों पर रामायण महाभारत के दृश्यों का चित्रण भी बेहद खूबसूरती से किया गया है। मलूटी के मंदिरों की एक खासियत है कि ये अलग अलग समूहों में निर्मित है। भगवान भोले शंकर के मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ माँ दुर्गा, माँ काली, धर्मराज, मनसा और भगवान विष्णु आदि देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ माता मौलिक्षा का भी मंदिर है, जिनकी मान्यता जागृत शाक्त देवी के रूप में है। मलूटी गांव में इतने सारे मंदिर होने के पीछे एक रोचक कहानी है। ये गांव सबसे पहले ननकार राजवंश के समय में प्रकाश में आया था। उसके बाद गौर के सुल्तान अल्लाउद्दीन हसन शाह ने इस गांव को बाज बसंत रॉय को इनाम में दे दिया था। राजा बाज बसंत शुरुआत में एक अनाथ किसान थे। उनके नाम के आगे बाज शब्द कैसे लगा और कैसे वो इस गांव के राजा बने, इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार की बात है, जब सुल्तान अलाउद्दीन की बेगम का पालतू पक्षी बाज उड़ गया था और बाज को उड़ता देख गरीब किसान बसंत ने उसे पकड़कर रानी को वापस लौटा दिया था। सुल्तान उस किसान की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मलूटी नामक गांव उसे बतौर इनाम दे दिया, एवं साथ साथ उन्होंने बसंत को राजा बाज बसंत के नाम से नवाजा। राजा बने बसंत ने वहां कोई किले या महल का निर्माण ना करवा 108 मंदिरों का निर्माण करवा दिया। एक माला में 108 मोती होते हैं। इन्हीं मोतियों की संख्या के आधार पर बसंत ने गांव में मंदिर बनवाए। इन मंदिरों का निर्माण वर्ष 1720 में शुरू हुआ और वर्ष 1840 तक इनके वंशजों ने इनका निर्माण पूरा किया। हालांकि संरक्षण के अभाव में अब सिर्फ 72 मंदिर ही ठीक ठाक हालत में बचे हुए हैं। जी हाँ, जहाँ तक बात है मंदिरों के संरक्षण की, तो बिहार के पुरातत्व विभाग ने 1984 में गांव को पुरातात्विक प्रांगण के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी। इसके तहत मंदिरों का संरक्षण कार्य शुरू किया गया था और आज पूरा गांव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पर्यटक यहां रात में रुकने से घबराते हैं। मलूटी गांव पशुओं की बलि के लिए भी जाना जाता है। यहां काली पूजा के दिन एक भैंस और एक भेड़ सहित करीब 100 बकरियों की बलि दी जाती थी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।